आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। इस बार का बजट सत्र हर बार से खास रहने वाला है। प्रदेश सरकार और कांग्रेस दोनों ने ही बजट सत्र के लिए खास तैयारियां की है। क्या आम क्या खास, सभी को बजट से काफी उम्मीदें हैं। प्रदेश की जनता को वसुंधरा सरकार के आगामी बजट से काफी उम्मीदें हैं। 25 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले सीएम वसुंधरा राजे ने सभी जिलों में प्रभारी मंत्रियों को भेजकर जिलों की जरूरतों और आवश्यकताओं के बारे में पता करवाया था। राजे के बजट से हर वर्ग को बहुत उम्मीदें हैं। राजे के बजट से बुजुर्ग चाहते हैं प्रदेश में चल रही धार्मिक यात्रा में बचे हुए तीर्थ स्थानों को भी जोड़ा जाए। बुजुर्गों के लिए सुरक्षा और चिकित्सा सेवाओं का विस्तार हो। हर जिले में सरकारी स्तर पर ओल्ड एज होम बनवाए जाएं। राज्य के बजट से युवा चाहते हैं शिक्षा का स्तर सुधरे, नए यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोले जाएं। सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधरे, शिक्षकों के खाली पद भरे जाएं, ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर बढ़ें, सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर भर्तियां निकाली जाएं, कौशल विकास के जरिए बेरोजगारों को प्रेरित किया जाए। राज्य के बजट से महिलाएं चाहती हैं महंगाई पर लगाम लगे, रसोई में रोजमर्रा के काम आने वाली चीजों के दाम घटें, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ठोस कानून बने। राज्य के बजट से व्यापारी चाहते हैं वैट की विसंगतियां दूर हो, पेट्रोल डीजल पर राज्य सरकार वैट की दरें कम करे, सिंगल विंडो सिस्टम की कमियों को दूर किया जाए। राज्य सरकार के बजट से राज्य कर्मचारी क्या चाहते हैं, स्टेशनरी भत्ता वापस शुरू किया जाए, प्रमोशन की राह खुले, संविदा पर लगे कर्मचारियों को नियमित करने के लिए ठोस नीति बने, विभागों में खाली पद भरने के साथ नई भर्ती खोली जाए, राज्य कर्मचारियों के लिए आवास नीति की घोषणा की जाए, प्रदेश के सुनहरे भविष्य के लिए राज्य सरकार भी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। राज्य सरकार के इस बजट में कोशिश होगी कि वो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। जयपुर से समाचार प्लस के लिए पीयूष शर्मा की रिपोर्ट। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले मंगलवार को सूबे की मुखिया मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने बीजेपी विधायक दल और पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में विधानसभा सत्र के दौरान किस विधायक की क्या भूमिका रहेगी और उसे विपक्ष के मुद्दों से किस तरह से निपटना है, इस पर रणनीति बनाई गई। इस दौरान बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर भी चर्चा की गई। चौदहवीं राजस्थान विधानसभा का चौथा सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के लिए प्रदेश कार्यकारिणी पदाधिकारियों की सभा और विधायक दल की संयुक्त बैठक बुलाई। ये बैठक करीब एक घंटे तक चलेगी, जिसके बाद पीसीसी चीफ सचिन पायलट कोटा के लिए रवाना हो जाएंगे। करीब एक बजे कोटा संभाग और भरतपुर संभाग के कांग्रेस पदाधिकारियों की संभागीय कार्यशाला होगी, जिसका फीडबैक 28 फरवरी को एआईसीसी को सौंपा जाना है। राजधानी जयपुर को साफ सुथरा बनाने के लिए प्रदेश बीजेपी की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया। पोस्टर विमोचन के मौके पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने शहर की खराब सफाई व्यवस्था को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। परनामी ने कहा कि अगर पिछली सरकार सफाई के ठेके समय पर कर देती तो शहर की सफाई व्यवस्था बदहाल नहीं होती। आपको बता दें कि इस पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तरफ से लोगों से सफाई अभियान से जुड़ने की अपील की गई है। राजस्थान में बदमाश किस तरह बेखौफ हो गए हैं, इसकी एक तस्वीर राजधानी जयपुर में देखने को मिली। यहां विजयपथ इलाके में बुलेरो सवार बदमाशों ने आरएएस अधिकारी बीएल चौधरी से मारपीट की। यही नहीं, बदमाशों ने अधिकारी की कार में भी तोड़फोड़ की। विवाद साइड देने को लेकर हुआ, जिसके बाद बदमाशों ने अधिकारी पर हमला कर दिया।
दौसा पुलिस ने पंचायत चुनाव में फर्जी डिग्री घोटाले का पर्दाफाश किया है। दौसा पुलिस ने मामले में जब कार्रवाई को आगे बढ़ाया तो दर्जनों सरपंचों में हड़कंप मच गई। अगर आप दौसा में रहते हैं और आपने बांदीकुई के टैगर स्कूल से पढ़ाई की है तो अपनी डिग्री की जांच करा लीजिए। हो सकता है आपकी डिग्री फर्जी हो, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में फर्जी डिग्री का बड़ा खेल उजागर हुआ है। 200 से ज्यादा प्रत्याशियों ने फर्जी डिग्री लगाकर चुनाव लड़ा है और इनमें से 27 सरपंच भी चुन लिए गए। पूरे मामले में सबसे बड़ी बात ये कि सभी फर्जी डिग्रियां बांदीकुई के टैगोर स्कूल से बनी है। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए स्कूल के संचालक शिव कुमार और उसके सहयोगी डालचंद को गिरफ्तार किया है। प्रदेश भर के लगभग 200 प्रत्याशियों ने बांदीकुई के टैगोर स्कूल से फर्जी टीसी और मार्कशीट बनवाई थी। दौसा ही नहीं, भरतपुर, अलवर, जयपुर, बाड़मेर, जोधपुर और करौली के भी प्रत्याशियों ने भी इस स्कूल से फर्जी डिग्री बनवाई। पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस स्कूल को बंद हुए 4 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। कुछ जो कैंडिडेट थे सरपंच पद के लिए और पंचायत समिति सदस्य के लिए, उनके द्वारा फर्जी मार्कशीट बनवाई गई क्योंकि सरकार द्वारा शैक्षणिक योग्यता को कंपलसरी कर दिया गया था। इसमें तो 8वीं पास और 10वीं पास के फर्जी सर्टिफिकेट बनवाए गए और उसके बेसिस पे ये चुनाव लड़ने के एलिजिबल हुए। और इस पूरी जांच में हमारे करीब 10 दिन ये जो हमने अंदाज़ से जांच करी, इसमें कई स्कूल हमारे संदेह के घेरे में आए जिन पर हमने टेक्निकल एविडेंस इकट्ठा किया और काफी गहनता से इनके बारे में जांच हमने करी। और कुछ स्कूल जो शक के दायरे में थे उसमें से एक था टैगोर विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, और जो गहनता से जांच पड़ताल हुई उसे मालूम पड़ा कि इसके द्वारा करीब 200 ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स हाल ही में जारी किए गए हैं जबकि यह स्कूल पिछले 4 साल से बंद है। आरोपियों ने प्रत्याशियों से फर्जी डिग्री के एवज में 10-10 हजार रूपए लिए। यही नहीं, इसके अलावा भी जीतने वाले प्रत्याशियों से आरोपियों ने 30-30 हजार रूपए लिए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा पुलिस ने फर्जी डिग्री लगाकर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की गिरफ्तारी की कोशिशें भी तेज कर दी हैं। दौसा से बिमलेश शर्मा, समाचार प्लस। उधर रावतसर में भी कई सरपंचों पर फर्जी मार्कशीट के जरिए सरपंच बनने का आरोप लग रहा है। रावतसर पंचायत समिति की 3 महिला सरपंचों पर रावतसर अदालत ने मुकदमे दर्ज करने तक के आदेश दे दिए हैं। तीनों सरपंचों के खिलाफ कोर्ट में दायर हुए इस्तगासे के जरिए केस दर्ज किया गया है। इस्तगासे में यह आरोप लगाया गया है कि नवनिर्वाचित महिला सरपंच 8वीं पास थी जिन्होंने फर्जी मार्कशीट के जरिए ये चुनाव लड़ा। प्रदेश में फर्जीवाड़ा कर चुनाव लड़ने के मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। टोंक में अब तक 2 दर्जन मामले सरपंचों के खिलाफ फर्जीवाड़े को लेकर दर्ज हो चुका है। ताजा मामला उनियारा तहसील की रूपवास पंचायत का है जहां एक तो सरपंच जशोदा जाट ने फर्जी मार्कशीट लगाई वहीं दूसरे 3 संतानें होने की बात भी नामांकन में छुपाई। जैसे नाराज लोगों ने डीएम ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। लोगों ने सरपंच को अयोग्य घोषित करने की मांग की। लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर नवनिर्वाचित सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अलवर में 2 चोरों की लड़कियों ने पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चोरों को गिरफ्तार कर दिया। मामला निमराना का है जहां बाजार में 2 युवक चोरी कर रहे थे। महिलाओं ने विरोध किया तो चोर दबंगई दिखाने लगे जिसके बाद गुस्साई महिलाओं ने दोनों की जूते चप्पलों से जमकर पिटाई कर दी। मौके पर मौजूद लोगों ने भी मनचलों को जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी चेन स्नैचिंग और लूटपाट की वारदातों में भी शामिल रहे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अलवर जेल में कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही जेल अधिकारी मौके पर पहुंचे और कैदी का शव अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है तो वहीं मृतक के परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कत्ल के आरोप में वो सजा काट रहा था। 2 महीने बाद उसकी सजा खत्म होने वाली थी लेकिन उससे पहले ऐसा क्या हुआ कि उसने आत्महत्या कर ली? जवाब किसी के पास नहीं है, ना प्रशासन के पास और ना ही परिवार के पास। अलवर की जिला जेल में कैदी अनिल हरिजन ने अपनी बैराक में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अनिल कत्ल के आरोप में सजा काट रहा था।
उसके अच्छे व्यवहार को देखते हुए उसे ओपन जेल में रखा गया था। 2012 से वो ओपन जेल में रह रहा था। हर रोज सुबह 7 बजे वो जेल से निकलता था, अपने घर जाता था, खाना खाने के बाद काम पर निकल जाता था और फिर शाम को घर से खाना खाकर वापस जेल चला आता था। हर रोज का उसका यही नियम था, लेकिन सोमवार की शाम जब जेल में हाजिरी हुई तो वो नहीं मिला। खोजबीन की गई तो उसकी बैराग में उसकी लाश पंखे से लटकी मिली। जेल में उसके साथी कैदियों ने बताया कि बीती रात उसने कहा था कि मेरी मौत की खबर मेरी माँ को दे देना, लेकिन वो शराब के नशे में था, इसीलिए किसी ने भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। वो ओपन जेल में अनिल रह रहा था तो कल शाम को आया नहीं और उसको तलाश करवाया गया, तलाश करवा रहे थे, इतने में ही उसके पड़ोसी ने आगे बताया कि वो तो कह रहा है कि मेरी माँ को कह दो जाके कि मैं मर रहा हूँ, और अचानक से कमरे में घुसा और रस्सा डाल करके और फांदी लगा दी। अपनी तो 14 साल हो गए उसको। अच्छा, किस जुर्म की सजा काट रहा है? 302 में था। 302 में। और कोई किसी से कोई आपस में कोई कैदियों में लड़ाई झगड़े की कोई संभावना नहीं? लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं। जेल अधीक्षक का कहना है कि परिवार में कोई विवाद था, लेकिन मृतक कैदी के पिता का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो घर से खुश होकर गया था। मामला साहब ऐसा, 5 बजे मेरा बच्चा राजू खुशी घर से गया है। कब गया? खाना खा के 5 बजे शाम को। अच्छा, जी हाँ, हाँ जी हाँ। बोले पापा मैं जेल पे जा रहा हूँ, जाओ राजू खुशी आया है वो। उसके बावजूद उन्होंने यहाँ लाश ले आए, जब हमको खबर दी है, मेरे मिस्टर डॉक्टर काम करती है देवगाड़ी के, पर ना कोई झगड़ा है ना कोई बात है ना कुछ किसी, राजू खुशी बच्चा गया है। फिर क्या हुआ है? पर उसके बाद उन्होंने क्या पता वहाँ जेल पे लाश ले आए यहाँ, बोले इसने फांसी लगा ली, बस ये बोला था। परिवार प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहा है और जांच की मांग की है। 7 बजे आ जाता है घर पे चाय पानी पीता है, मम्मी साथ छोटा मोटा काम करा देता है, ठीक है ना। उसके बाद वो कबाड़ा वबाड़ा बीनता है, अपना खाना वाना खाया, खाना खा के अपने हाजिरी भी चला जाता है वो, 5:15 बजे निकल जाता है वो, ठीक है ना। उसके बाद में वो वहीं रहता है, फिर सुबह आता है। अब जब उसने पता लगा है कि उसने बोला कि मैं आज मरूंगा, मेरे घर वालों खबर कर दो, जब पुलिस वालों ने उस टाइम खबर क्यों नहीं करी? प्रशासन खास हो रहा था उस टाइम में, उस टाइम खबर करनी चाहिए ना। क्या मानते हैं कि जेल प्रशासन? हाँ, जेल प्रशासन गलती है, गलती उनकी है, प्रशासन की। मौत की वजह कोई नहीं जानता, लेकिन जेल में आत्महत्या का मामला गंभीर लापरवाही की ओर इशारा कर रहा है। अलवर से मुझे गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। बालोतरा के जेल से फरार कैदी ने मंगलवार शाम को अचानक कोर्ट में समर्पण कर दिया। कोर्ट ने कैदी पीरे खां को वापस जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक कैदी जेल में पॉक्सो एक्ट में निरुद्ध था और करीब 15 महीने पहले जेल की चारदीवारी फांद कर फरार हो गया था। पुलिस इस कैदी को 15 महीनों में भी नहीं ढूंढ पाई थी, लेकिन पीरे खां कैदी ने मंगलवार की शाम को अचानक खुद ही कोर्ट के हवाले खुद को कर दिया। जयपुर में कांवटिया अस्पताल की पीएमओ नसरीन भारती ने स्वास्थ्य भवन पहुंचकर निदेशक बीआर मीणा को प्रमुख चिकित्सा अधिकारी पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि वो जल्द ही सरकारी नौकरी से भी इस्तीफा देंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाली महिला डॉक्टर होने के कारण उन्हें जातीय भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, अस्पताल में अब उनका काम करना दूभर हो चुका है। यह आरोप उन्होंने खुद लगाया। अस्पताल के ही कुछ डॉक्टर अधिकारी कर्मचारी आंतरिक राजनीति के चलते गुटबाजी कर रहे हैं और उन्हें पद से हटाने की धमकियां भी दी जा रही हैं। जयपुर के अर्जुन नगर और कल्याण नगर के अंडरपास का काम बहुत जल्द ही गति पकड़ेगा। इसके लिए जेडीसी शिखर अग्रवाल ने निर्माणाधीन अंडरपासों का जायजा लेकर अधिकारियों को दोनों अंडरपासों का काम 2-3 महीने में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जेडीसी ने मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से गोपालपुरा बाईपास की चौड़ाई बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। जेडीसी शिखर अग्रवाल ने बताया कि इस सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए होने वाली पीडब्ल्यूडी की बैठक में तय राशि स्वीकृत की जाएगी। इसके अलावा जेडीसी ने रामनगर मेट्रो स्टेशन के पास बन रही मुख्य सड़क का कार्य 31 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सीकर के धोत पंचायत समिति के सामने देर रात अज्ञात बाइक सवारों ने व्यापारी पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया। व्यापारी को उपचार के लिए कल्याण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक व्यापारी अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, उसी दौरान 2 बाइकों में सवार 6 बदमाशों ने व्यापारी पर हमला कर दिया। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
डीडवाना में जीवन गोदारा हत्याकांड के गवाहों पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। फायरिंग उस वक्त हुई जब दोनों गवाह कोर्ट में पेशी के लिए डीडवाना पहुंच रहे थे। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बहुचर्चित जीवन राम गोदरा हत्याकांड मंगलवार को एक बार फिर सुर्खियों में गर्मा गया। मुख्य गवाह के अपहरण के बाद अब मामले के दूसरे गवाहों पर फायरिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गांव से आ रहे थे, मेरी गवाह थी आज जी। तो आज वह स्टैंड पे एक स्कॉर्पियो आई, व्हाइट गाड़ी थी, ब्लैक शीशे थे। जैसे हम लोग वहाँ आज वह स्टैंड मोड़ पे पहुँचे, ताबड़तोड़ उन्होंने फायरिंग की। हत्याकांड के गवाह रामचंद्र और भवनलाल की कोर्ट में पेशी होनी थी। दोनों गवाह अपनी गाड़ी से डीडवाना कोर्ट आ रहे थे कि तभी अजवा गांव के पास चार पांच बदमाशों ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी। जान बचाने के लिए दोनों गवाहों ने एक घर में शरण ली, लेकिन बदमाश वहां भी पहुंच गए और घर पर जमकर गोलियां बरसाई। हालांकि घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। अभी सूचना मिली है कि इस तरह की फायरिंग की घटना हुई है। जो जीवनराम गोदारा हत्याकांड के जो गवाह हैं रामचंद्र और भंवरलाल, वो आजवा गांव से यहाँ डीडवाना की तरफ आ रहे थे, तो एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने कोई दो तीन लड़के आए, उन्होंने फायरिंग की है। प्रथम दृष्टया फायरिंग हुई है और किसने की है, क्या है घटनाक्रम, पूरा क्या है, ये हम अभी पूरा चेक कर रहे हैं और रिपोर्ट लेके जो भी कार्रवाई है वो करेंगे। पुलिस जांच में जुटी है। हालांकि हमलावरों का अब तक कोई पता नहीं चला है, लेकिन शक राजस्थान में दहशत के दूसरे नाम यानी अनंत पाल के गुर्गों पर जताया जा रहा है। फायरिंग किसने की ये अभी जांच का विषय बना हुआ है। डीडवाना से मयूर गांधी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। डीडवाना में गवाहों पर हुई फायरिंग के मामले के बाद जिला पुलिस सतर्क हो गई है। इसके चलते पुलिस ने जिले भर में नाकेबंदी शुरू कर दी है और वाहनों की गहन तलाशी अभियान जारी है। यहां आने वाले वाहनों को रोककर उनकी तलाशी की जा रही है। साथ ही चालक का लाइसेंस, परमिट और आरसी जैसे कागजात भी चेक किए जा रहे हैं। धौलपुर के राजाखेड़ा थाना पुलिस ने नाकाबंदी कर चोरी की बाइक चलाते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है, जबकि बाइक सवार दूसरा युवक भागने में सफल हो गया। एसआई हरि सिंह मीणा ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिली थी कि धौलपुर से राजाखेड़ा की ओर एक चोरी की बाइक को लेकर दो लोग जा रहे हैं, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी शुरू कर दी और बाइक को रोककर एक युवक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा युवक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है और भागे हुए दूसरे आरोपी की तलाश में जुट गई है। वैर के भुसावर में पुलिस ने मारपीट, अपहरण, फिरौती और लूट के दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के खिलाफ विभिन्न थानों में दो दर्जन से ज्यादा संगीन वारदातों के मामले दर्ज हैं। थानाधिकारी लखन सिंह खटारा ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपी दौसा के सांथा गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने सितंबर में भुसावर कस्बे में 8 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया था। सीकर के राणोली पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चार चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से चोरी की 8 बाइक भी बरामद की है। राणोली थानाधिकारी इंद्राज मारोड़िया ने बताया कि दो आरोपी बाइक चुराने का काम करते थे और अन्य दो आरोपी चुराई हुई बाइक को बेचने का काम करते थे। यह गिरोह करीब 2 साल से चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। खबर डीडवाना से, जहां पर चुनावी रंजिश को लेकर दो गाड़ियों में भरकर आए युवकों ने कार सवार युवक पर हमला कर दिया। हमलावरों ने युवक की कार पर फायरिंग की और लाठी से उसकी कार के शीशे तोड़ दिए। युवक मेगा हाईवे से डीडवाना रेलवे स्टेशन की ओर आ रहा था। इसी दौरान उसके पीछे चल रही दो गाड़ियों में सवार युवकों ने उसकी कार के आगे पीछे अपनी गाड़ियां लगा दी और युवक पर हमला कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। भरतपुर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार कार्यालय की तरफ से आयोजित मेले में 100 से ज्यादा प्राइवेट कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। प्राइवेट कंपनियों के प्रतिनिधियों ने 2000 से ज्यादा युवाओं का इंटरव्यू भी लिया। बेरोजगारी के बढ़ते अंधेरे में कहीं दूर जल रहे रोजगार का एक टिमटिमाता दिया। बेरोजगार के लिए किसी सूरत से कम नहीं होता और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भरतपुर में एक रोजगार शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें भरतपुर के अलावा बाकी जिलों से भी
युवा रोजगार की उम्मीद के लिए यहाँ पहुँचे हैं। बेरोजगारों युवाओं के लिए अच्छी नौकरी की तलाश करने के लिए भरतपुर के रोजगार कार्यालय ने एक रोजगार मेले का आयोजन किया। मेले में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गुड़गांव से आई निजी कंपनियां शामिल हुई। लगभग 100 कंपनियों के जरिए 5000 युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। विशेषकर हमें रोजगार के लिए जो है उनके ऋण योजनाओं के आवेदन पत्र यहाँ पर बताए और ज्यादातर हमारे जो युवा है वो यहाँ पर ये शामिल कर रहे हैं कि हमारे इस रोजगार मेले में बहुत अधिक कंपनियां यहाँ पर आई है। मेरा अपना मानना है कि करीब 100 से ज्यादा कंपनियां यहाँ पर इसमें शामिल हुए। मेले में बकायदा स्टॉल लगाए गए हैं जहां युवाओं से उनका बायोडाटा लेने के बाद इंटरव्यू लिए गए और उन्हें नौकरी दी गई। बेरोजगार विकलांग युवाओं को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो इसके लिए मौके पर ही विकलांग प्रमाण पत्र भी बनाए गए। विश्व के सबसे ज्यादा युवा भारत में रहते हैं। हम तरक्की के नए आयाम गढ़ रहे हैं लेकिन बढ़ती बेरोजगारी हमारे विकास की राह में रोड़ा है। ऐसे में भरतपुर में लगा ये रोजगार मेला किरण की एक उम्मीद लेकर आया है। भरतपुर से दीपक लवानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। ऐतिहासिक धरोहरों की खूबसूरती हमें हमेशा से ही अपनी ओर आकर्षित करती है और जब बात पर्यटन स्थलों की हो रही हो तो राजस्थान का नाम सबसे पहले आता है। चलिए आज आपको हम ले चलते हैं सपनों के एक महल में। तारों की टिमटिम रोशनी के बीच रंग बिरंगी रोशनी से जगमग आमेर किला। रोशनी में जगमगाता है तो लगता है मानो किसी ने दमकते बेशकीमती रत्नों की मंजूषा खोल दी है। महल की सुंदर खिड़कियों के झरोखों से आमेर के उस सुंदर दृश्य को क्या नाम दूं? ये किसी सपने से कम नहीं लगती। राज्य में नए टूरिज्म की शुरुआत के साथ आमेर महल को टूरिज्म स्पॉट के रूप में चुना गया है। विधिवत शुरुआत के बाद रंगीन रोशनी में नहाए इस फोर्ट को पर्यटकों ने देखा और इस पल को अपने कैमरे में सजो लिया। इस मौके पर सैलानी काफी उत्साहित दिखे। I like it very much. I like it very much. Well, I think it brings it highlights very beautiful details of the building. बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। बहुत ही सुंदर माहौल है और पहली बार आया हूँ यहाँ पे मैं और बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत सुंदर है, मतलब यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है बेसिकली। आमेर फोर्ट में नाइट टूरिज्म की शुरुआत के लिए करीब 2,70,00,000 रुपए खर्च किए गए हैं। महल में करीब 1,350 LED लाइट्स के अलावा छोटी लाइट्स भी लगाई गई हैं। खूबसूरती का ये अनुभव आपको भी करना है तो आप जयपुर जरूर पहुँचिए। रेगिस्तान की तेज धूप के बाद शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक फोर्ट को निहारने का एहसास अलहदा है। जयपुर से राखी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार।